काशी नगरी में शोर हो गया, मच गया शोर, सब के यहाँ खबर पहुंच गई कि राजकुमारी महाराज रुद्र प्रताप सिंह के बेटी राजकुमारी शैलजा एक जमादार लड़के से विवाह करने जा रही है। सब जगह खबर पहुंची, कानों कान खबर पहुंच गई राजमहल में, और राजा तक समाचार पहुंचा। जब राजा को पता चला कि मेरी बेटी क्या करने जा रही है, मेरी नाक कटाने जा रही है, उस समय राजा ने जब खबर सुनी तो आग लगी, तब तन मन में ले तलवार गया अंतापुर, शोर मच गया महलन में। राजा होठ फड़फड़ाते हुए, हाथ कांपते हुए, थर्राते हुए गया, देखा राज परिवार के लोगों ने, ये क्या करने जा रहे राजा, इतने क्रोध में क्यों, और अंतापुर में किसके ऊपर प्रहार करेंगे तलवार का। भीतर गया, जहां बेटी बैठी उसके कक्ष में गया, अंदर बेटी राम का भजन पूजा पाठ चिंतन कर रही थी। बता शैलजा, खबर सुनी जो सारी नगरी शोर मचा, क्या वो सत है तू भंगी के संग शादी रही रचा, क्या ये सच बात है। तो बोली, निर्भय बोली सुनो पिताजी, जो भी सुना सत्य है वो, लेकिन पहले बात समझ लो, फिर चाहे जो निर्णय लो। जब बाप ने डांटा फटकारा कि तुमने क्या किया, अगर तुमको शादी करनी थी पहले बता देती, तुमको पति की मृत्यु का इतना गम था, इतना अभाव तुमको पति का लगा, तो पहले बताती, मैंने तुम्हारी शादी पहले रचा देता, तुमने क्या किया, सारी नगरी शोर मच गया सब जगह, तुमने क्या किया, मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। निर्भय बोली, सुनो पिताजी, जो भी सुना सत्य है वो, लेकिन पहले बात समझ लो, फिर चाहे जो निर्णय लो। पिताजी पहले मेरी बात समझो, ये रहस्य क्या है, उसके बाद जो आपकी इच्छा हो, चाहे तलवार को मेरी गर्दन के आर पार कर देना, जो चाहो बाद में निर्णय ले लेना, लेकिन एक बार आप मेरी बात सुन लो, क्रोध को शांत करके, निष्पक्ष होकर के मेरी बात सुनो, शांत चित्त होकर के मेरी बात सुनो, क्रोध का त्याग करो, मेरी बात सुनने के बाद फिर चाहे आप मुझको मार देना। हाँ बोलो क्या बात है। तो कहने लगी, पिताजी आप अपनी बेटी पर विश्वास करना, नहीं सुखों का लोभ है मुझको, नहीं कहीं कोई चाहत है, सत कहती हूँ पति मृत्यु से, नहीं तनिक मन आहत है, बचपन से सत्संग किया है, जीवन में भी अमल किया, दुनिया के सब भोग त्याग मन राम नाम में अचल किया, दुनिया के सब भोग त्याग मन राम नाम में अचल किया, दिल के सारे राज खोल तब सारी बात बताई है, निज अनुभव से राम नाम की सब महिमा समझाई है, निज अनुभव से राम नाम की सब महिमा समझाई है। अपने दिल के सारे राज खोल दिए, जो आज तक उसने कभी अपने अनुभव किसी को बताए नहीं थे, नाम जब से राजकुमारी को जो जो अनुभव हुए थे अध्यात्म, कभी किसी से शेयर नहीं किए, आज पहली बार अपने पिता को बता रही कि पिताजी राम नाम की कितनी शक्ति है, मैं जानती हूँ, मैंने अनुभव किया, अपने अनुभवों को राजकुमारी ने बताया और कहा कि पिताजी आप विश्वास कीजिए, बेटी पे विश्वास करो, अब क्यों सुनते जगताने को, दुल्हन का केवल नाटक है ऊपर से दिखलाने को, दुल्हन का केवल नाटक है ऊपर से दिखलाने को। राजकुमारी बोली, बेटी पे विश्वास करो, अब क्यों सुनते जगताने को, दुल्हन का केवल नाटक है ऊपर से दिखलाने को, ये तो केवल मेरा नाटक है बाहर का,
मैं नाम की महिमा को जानती हूं, वो भी 40 दिन के भीतर पवित्र हो जाएगा, जैसी आपकी बेटी पवित्र है, जैसे भगवती गंगा का जल पवित्र है। 4 दिनों की बात रह गई, 4 दिनों की बात रह गई, देखेंगे सब नर नारी राम नाम की शक्ति को, तब मानेगी दुनिया सारी। राम नाम की शक्ति को, तब मानेगी दुनिया सारी। पिताजी 4 दिन की बात रह गई, 36 दिन बीत गए हैं, जब इतना सुना तो 4 दिन की बात है, दुनिया देखेगी, जय जयकार करेगी आपकी। सुन बेटी की बात, पिताजी के मन में अहलाद हुआ, इस कलयुग में बेटी बनकर मेरे घर प्रहलाद हुआ। इस कलयुग में बेटी बनकर मेरे घर प्रहलाद हुआ। सुन बेटी की बात, पिताजी के मन में अहलाद हुआ कि इस घोर कलयुग में मेरे घर में प्रहलाद पैदा हुआ बेटी बनकर के, धन्य हो गए हूं मैं। बेटी जो विश्वास तुम्हारा मेरा भी ऐसा कर दो, ज्ञान भक्ति वैराग दान कर मेरी खाली झोली भर दो। जैसा विश्वास तुम्हारा है प्रभु के नाम के प्रति, सुना था कभी प्रहलाद के बारे में, अग्नि में जलना स्वीकार कर दिया लेकिन नारायण नाम को नहीं छोड़ा, हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया गया लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ा, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया गया लेकिन उसने प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा, उसका विश्वास कभी सुना था मैंने प्रहलाद का, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं वो तो सत्यों की घटना है, इस घोर कलयुग में प्रहलाद आया है मेरी बेटी बन करके। इतना तुम्हारा राम नाम में अविश्वास, तुमने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया राम नाम, इतना तुम्हारा विश्वास है बेटी, मैं धन्य हो गया। बस इतनी प्रार्थना करता हूं, जैसा विश्वास तुम्हारे हृदय में है मेरे भीतर भी वैसा ही विश्वास पैदा करो, झोली फैला रहा हूं। इधर 40 दिन पूरे होने में केवल एक दिन शेष रहा, धुला मैल लड़के का सारा मन में ना अवशेष रहा। 40 दिन पूरे होने में केवल एक दिन बकाया रह गया था, लड़के का मैल नाम जब की कृपा से पूरा का पूरा धुल चुका था। लगी समाधि राम नाम से तन मन की सुध भूल गया, 40 दिन कल होंगे पूरे नहीं पता सब भूल गया। अब तक इंतजार करता था कब 40 दिन हो, कब राजकुमारी आए, लेकिन आज एक दिन पहले 40 दिन से पता ही नहीं, भूल गया सब कुछ। लगी समाधि राम नाम से तन मन की सुध भूल गया, 40 दिन कल होंगे पूरे नहीं पता सब भूल गया। नाम खुमारी चढ़ी ना सोया, जो ही प्रातः काल हुआ, प्रगट हुए प्रभु राम हृदय में, झांकी निरख निहाल हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहा कि राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। 39 दिन की उसकी साधना है, 40वें दिन का जो ही प्रातः काल हुआ, सूर्यदेव उदय हुए, सूर्यवंशी भगवान राम हृदय में प्रकट हो गए। सूर्यवंशी रघु भय रघुकुलवंशी राम, रामचंद्र के पुत्र दो लवकुश जिनको नाम, वही हमारे बड़न हैं युगा युगा अवतार, नानक अपने बड़न को कोटि कोटि नमस्कार। उस सूर्यवंश में अवतरित होने वाले परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगनियंता कारण कर्णावरणालया, वो सर्वगुण निलिया, वो सर्वेश्वर वो अखिलेश्वर राम के रूप में उनके हृदय में प्रकट हो गए। लगी समाधि राम नाम से तन मन की सुध भूल गया, 40 दिन कल होंगे पूरे नहीं पता सब भूल गए। नाम का चमत्कार, और नाम खुमारी चढ़ी ना सोया, रात भर आज उसको नींद नहीं आई, क्यों? आनंद गुणातीत स्थिति में तुरियावस्था में पहुंच गया, इतना आनंद प्रभु के नाम का। नाम खुमारी चढ़ी ना सोया, जो ही प्रातः काल हुआ, प्रगट हुए प्रभु राम हृदय में, झांकी निरख
निहाल हुआ। इधर सुबह से दोपहर, दोपहर से संध्या हो गई, आंख बंद किए वो लड़का ध्यान में राम के, उसको समय का पता ही नहीं चला। इधर कर 16 श्रृंगार शैलजा, कर 16 श्रृंगार शैलजा, हाथों में ले वरमाला। पहुंची तट पे उससे पहले लोगों ने डेरा डाला, पहुंची तट पे उससे पहले लोगों ने डेरा। 16 श्रृंगार करके दुल्हन का जोड़ा पहन करके, 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने आप को अलंकृत करके दुल्हन के रूप में हाथों में वरमाला लिए, सखियां भी साथ में, क्योंकि अब तो पिताजी की भी हां है, कोई भय नहीं, क्योंकि पिताजी को भी राम नाम में विश्वास था कि मेरी बेटी की लाज प्रभु का नाम रखेगा। भेज दिया, राजकुमारी के साथ सब सखियां आई, और राजकुमारी मणिकर्णिका घाट पहुंचे, उससे पहले तो काशी नगरी पूरी घाट पे पहुंच चुकी थी। घाट पे खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, लोगों ने नौकाएं किराए पे ले लेकर के नदी के भीतर, गंगा जी के भीतर जाकर के इस दृश्य को सब आंखों से, आंखों में भर लेना चाहते थे। आज क्या होने वाला है, भीड़ बड़ी, भीड़ जमी घाटों पे, कुछ तो बैठ नाव से देख रहे, होगा आज न जाने क्या, दिल थामे सारे देख रहे। उस दृश्य को सब अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे, क्या होगा। उसी समय भंगिन के बेटे के सन्मुख राजकुमारी खड़ी हुई, उसको कुछ भी पता नहीं, मन नाम कुमारी चढ़ी हुई, उसको कुछ भी पता नहीं, मन नाम कुमारी चढ़ी हुई। हाथों में वरमाला लिए उस लड़के के सामने राजकुमारी शैलजा खड़ी हो गई, उसको कोई होश नहीं, आंखें बंद, सामने राम जी के दर्शन हो रहे हैं, अब तो युगों युग बीत जाए तो पता नहीं चलेगा। मां भी पहुंच चुकी थी, मां ने कहा लाल उठ मेरे, अब तो तुम नैना खोलो, देखो राजकुमारी आई, उनसे अब कुछ तो बोलो। तुम तो राजकुमारी के लिए प्राण देने को तैयार हो गए थे, अब वो राजकुमारी तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए हाथों में वर माला लिए पहनाने के लिए उतावली खड़ी है, अब बेटा आंखें खोलो, राजकुमारी से मिलो, खड़े हो जाओ, देखो। कोई होश नहीं, भीतर आनंद आनंद आनंद, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। वो तो झांकी राम की थी, आनंद परमानंद। जब नहीं जगा, जब समाधि नहीं टूटी, माँ ने दोनों कंधे पकड़े, झकझोरा बेटे को, बेटा उठो, आंखें खोलो, देखो राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आंख खुली है, बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, झकझोरा जब बेटे को तब मुश्किल से नैना खोले, सन्मुख राजकुमारी देखा, सन्मुख राजकुमारी चरण पकड़ रो कर बोले। खड़ा नहीं हो सका, राजकुमारी को देखा बस, सामने खड़ी है, चरणों में गिर गया, पांव पकड़ लिए, आंखों में जल की धारा बहने लगी और बोले, क्षमा करो अपराध हे माता, क्षमा करो अपराध हे माता, तुम तो सद्गुरु हो मेरी, करो कृपा इस दीन दास पे, मैं हूं चरण शरण तेरी।
करो कृपा इस दीन दास पे, मैं हूँ चरण शरण ते। हे माँ मुझको क्षमा कर दो, आप मेरी गुरु हैं, भगवान से मिलाने वाली हैं। मैंने आपके प्रति जो बुरा विचार किया था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माँ मुझको क्षमा कर। रो रो कर नैनों के जल से, रो रो कर नैनों के जल से चरणों का अभिषेक किया, राजकुमारी से विनती कर से साधु भेस लिया, राजकुमारी से विनती कर उनसे साधु भेस लिया। गूंजा घाट शैल जा जी के ऊंचे जय जयकारों से, किया मान सारी नगरी ने फिर फूलों के बोल। राजकुमारी शैलजा की, बोल गंगा मैया की, बोल काशी नगरी की, बोल विश्वनाथ की। गूंजा घाट शैलजा जी के ऊंचे जय जयकारों से, या मान सारी नगरी ने फूलों के हारों से, या मान सारी नगरी ने। सब लोगों ने पुष्पों की वर्षा की है, सब ने शैलजा को प्रणाम किया है। देखी प्रगट नाम की महिमा, धन्य हुए सब नर नारी, करुण दास कहे नाम जपे जो, उनकी बात बने सारी। संन्यास ले लिया, राजकुमारी घर लौट गई, वो अपने महल में भजन चिंतन कर रही है। ये जंगल में चले गए, संत बन के जंगल में आनंद ले रहे हैं। महलों में भी भगवान को पाया जा सकता है, जंगल में भी भगवान को पाया जा सकता है। ना यहां महलों की बुराई है, ना यहां जंगलों की बुराई है। कहीं भी ईमानदारी की जिंदगी जियो, वहीं भगवान है। अब तो मस्त दुनिया इनके पीछे लगी। एक दिन राजकुमारी के मन में भी आया, एक राजकुमारी के मन में आया, बहुत दिन हो गए उस लड़के के मैं दर्शन करने चलती हूँ जंगल में। राजकुमारी पहुंची, भीड़ लगी थी। राजकुमारी ने मैसेज दिया, संदेश दिया एक व्यक्ति को, जाओ उनसे कहो कि राजकुमारी मिलने आई है। लड़के के पास, अब तो साधु बन गया है, साधु संत के पास पहुंचा संदेश, राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। संत ने कहा मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता। राजकुमारी के पास संदेश पहुंच गया कि महाराज, महारानी हो, राजकुमारी जी हो, किसी राजकुमारी को नहीं मिलना चाहते। फिर राजकुमारी ने कहा जाओ संत को ये कहो, वही राजकुमारी आई है जिसके प्यार में तुम पागल हुए थे। मैसेज पहुंच गया संत के पास। संत ने कहा जाओ उसको जाके कह दो, वो वही राजकुमारी हो सकती है लेकिन मैं वो भंगी नहीं रहा, अब मैं वो नहीं रहा। राजकुमारी के पास संदेश पहुंचा, राजकुमारी ने कहा जाओ संत को जाके कहो तुम्हारी गुरु आई है। और जब इस संत के पास संदेश पहुंचा, दंडवत लेट करके वहीं से प्रणाम किया, दंडवत करते करते राजकुमारी के चरणों में जा गिरे। सतगुरुदेव भगवान की जय। शेष कथा कल होगी, अभी 10 मिनट हैं आगे कार्यक्रम। जय जय श्री राधे। एक बारी सभी मेरे साथ जय घोष करेंगे। श्री सुदर्शन चक्रावतार भगवान श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री 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 महाराज की जय। श्री श्री 1008 व्यास जी महाराज करणदास जी महाराज की जय। मेरी पंडाल में जितने भी श्रद्धालु उपस्थित हैं
उनसे एक विनम्र शब्दों में विनती है कि कृपया वे प्रसाद अवश्य लेके जाया करें। महाराज जी ने अपनी कथा में नाम जपन की महिमा अत्यंत बताई, तपस्या के बारे में खूब बतलाया, लेकिन वो कितना सहज है, सुलभ है, ये हम जानते हुए भी नहीं कर सकते। महाराज जी ने महावीर कर्ण का उदाहरण देते हुए हमें दान की महिमा के बारे में बतलाया, दान कैसे कि हम अपने प्रभु को दे रहे हैं। आज उन्हीं दानवीरों की श्रृंखला में कुछ भक्तों के नाम मेरे पास आए हैं। सबसे पहले बलवंत सैनी जी यमुनानगर से इस कथा में 51,000 रुपये का योगदान दे रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कृपया उनका उत्साहवर्धन अवश्य करें। और लाल सैनी जी जो करनाल से ही हैं, इन्होंने 21,000 रुपये का सहयोग इस कथा में दिया है। कुरुक्षेत्रा के भगत भी पीछे नहीं हैं, उनमें इस कथा के मुख्य यजमान हमारे जर्नैल सैनी जी परिवार सहित जो इस कथा में लगे हुए हैं, उनके परिवार से 5,00,000 रुपये की राशि इस कथा में आई है, उनका भी राधा कृष्ण समस्त कुरुक्षेत्र परिवार हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हरि भगवान जी जो कुरुक्षेत्रा से ही हैं, 11,000 रुपये की अपनी सहयोग राशि दे रहे हैं। बीडी गुप्ता जी जो मोहन नगर से हमारे मध्य में आए हैं, इस कथा में 11,000 रुपये का सहयोग दे रहे हैं। मुकेश जी जो नलवी से हैं, उन्होंने 11,000 रुपये का सहयोग दिया है। और झरोली कला शाहबाद से सुरेंद्र सैनी जी, बलदेव सैनी जी, दोनों के अलग अलग 11,000 रुपये भी इस कथा में हमें प्राप्त हुए हैं। राधा कृष्ण परिवार समस्त दानी सज्जनों का हार्दिक आभार करता है कि आप अपनी सेवाएं ऐसे ही देते रहें। श्री बलदेव सैनी जी भी शाहबाद से ही हैं, झरोली कला से, उनके भी 11,000 रुपये आए हैं। और रविंदर सैनी जी जो भिवानी खेड़ा से हैं, उनके भी 11,000 रुपये इस कथा में आए हैं। और एक हमारे संत प्रवर जो कि महाराज जी का प्रवचन टीवी के ऊपर देख रहे थे, उन्होंने प्रेमिंदा कुंद्रा जी हैं महाराज जी के परम शिष्य परम कृपा पात्र, उन्होंने 21,000 रुपये का सहयोग वहीं से कथा में भेजा है। राधा कृष्ण कुरुक्षेत्र परिवार समस्त दानी सज्जनों का हार्दिक साधुवाद धन्यवाद करता है। मैं आप सभी सज्जनों से विनती करता हूं कि आप इस सेवा से ना चुकें। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर किया हुआ दान अनंत फलदायी होता है, ऐसा शास्त्रों में बार बार चिन्हित है। आप लोग जो समय का दान दे रहे हैं वो भी बहुमूल्य है। इस पूरे कुरुक्षेत्र में बहुत संख्या जनसंख्या रहती है, लेकिन आप जैसे भक्त जो भगवान के भक्तों का दिव्य चरित्र सुनने के लिए आए हैं, आप उनकी संख्या देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने परम भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली दिशा चैनल के माध्यम से समस्त संसार में देखने वाले भगत भी हैं, लेकिन आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि जो मंदिर में साक्षात जाता है वो भगवान का परम भक्त होता है, जो घर बैठ के चिंतन करता है वो भी भक्त होता है, लेकिन कुछ भक्त ऐसे जिनकी भगवान की डायरी में जिनका नाम होता है और कुछ भक्त ऐसे जिनकी डायरी में भगवान का नाम होता है, ये दोनों पृथक पृथक होते हैं। मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं, श्री प्रवीण चौधरी जी जो जिला परिषद कुरुक्षेत्रा के चेयरमैन हैं, जिनकी अध्यक्षता में जिला परिषद ने अनेक बारी राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं, मैं उनका कथा पंडाल में पहुंचने पर हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और पतंजलि पीठ कुरुक्षेत्रा से राम मेहर जी भी हमारे मध्य में आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यमुनानगर से हनुमान मंदिर से आए हुए संत प्रकाश गिरी जी का भी मैं इस कथा में पहुंचने पर हार्दिक आभार साधुवाद व्यक्त करता हूं। हमारे मध्य बहुत सारे शहर के गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं, कृष्ण लाल धमीजा जी जो एडवोकेट हैं और पंजाब केसरी के जिला ब्यूरो प्रमुख के पद पर कार्यरत है, उनका भी मैं कथा पंडाल में पहुंचने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी भक्त से एक विनम्र प्रार्थना मेरी यही है कि आरती के बाद भी आप अनुशासन बनाए रखें। और सभी मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथियों से निवेदन है कृपया वे मंच पर पहुँचें। श्री केवल कृष्ण गोयल जी जो समाजसेवी भी हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं,
आज के विशिष्ट अतिथि में हमारे वो सम्मानित सदस्य हैं, उनका भी कथा पंडाल में पहुंचने पर हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कुछ दानी सज्जनों की राशि मेरे पास अभी आ रही है, रसीद कटने के बाद इनके नाम की घोषणा अवश्य की जाएगी। आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन जय हो सुन सुन हृदय बसाओ भगतो, कर भक्ति सुख पाओ भगतो। जो आज के मुख्य मेहमान के पे मंच पे पहुंचे हरि भक्तन की गाथा पावन, 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 ओ भक्त और भगवान लुभावन, गुरु भक्ति सुख पाओ भक्तो, आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन हृदय बजाओ भक्तो, कर भक्ति सुख पाओ भक्तो। भक्ति सुख पाओ भक्तो, आरती गाओ भक्त माल की, सुन सुन